कलेक्ट्रेट परिसर के समीप सड़क के दोनों ओर दुकान संचालित करने वाले स्टाम्प वेंडर अर्जी नवीस सहित अन्य दुकानदारों को जिला प्रशासन द्वारा हटाए जाने के लिए नोटिस जारी की गई है। आपको बता दें कि आज जिला प्रशासन सहित नगर निगम महापौर मौके पर पहुंचे और इन दुकान संचालकों की समस्या को देखते हुए उन्हें आसपास जगह दिए जाने का आश्वासन दिया। हुजूर तहसील के आरपी त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि राजेश शुक्ला द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी कि कलेक्ट्रेट परिषद के आसपास सड़क किनारे 54 दुकानदारों द्वारा दुकानें संचालित की जाती हैं, जिन्हें वहां से हटाया जाए क्योंकि इन दुकान संचालकों के चलते सड़क अवरुद्ध है और आवागमन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते न्यायालय ने वर्ष 2019 में इन्हें हटाने के निर्देश दिए थे और जिला प्रशासन द्वारा इन सभी को शक्ति से हटा दिया गया था। लेकिन उसके बाद एक बार फिर धीरे धीरे इन लोगों द्वारा सड़क पर दोनों ओर झोपड़ियां तानकर दुकानें संचालित की जाने लगी, जिसके बाद राजेश शुक्ला द्वारा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट दायर की गई थी और इसी में जिला प्रशासन की पेशी थी। तहसीलदार ने बताया कि सभी दुकानों को नोटिस जारी कर 4 तारीख तक अपनी दुकान हटाने के लिए कहा गया था। इसी दौरान आज मौके पर पहुंचकर इन लोगों को व्यवस्थित किए जाने के बीच का रास्ता निकाला गया, क्योंकि यहां 54 दुकानदार बीते कई वर्षों से रोजगार कर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। वहीं महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि इन सभी को कलेक्ट्रेट के पीछे की ओर बनी पार्किंग में व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे ये मार्ग पूरी तरह से खुल जाएगा और ये सभी दुकान संचालक भी व्यवस्थित हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं दुकानों से उनके परिवार का भरण पोषण होता है और इन्हें बंद नहीं कराया जा सकता है। इसके लिए वो जिला कलेक्टर से बात कर आगे का रास्ता निकालेंगे। प्रस्तुत है महापौर अजय मिश्रा बाबा एवं तहसीलदार आरपी त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अंश। तत्कालीन कलेक्टर भी इस मामले में सुलझा पाए थे, अभी क्या निर्णय लिया आपने? ये नगर निगम के पीछे जो अपने वेंडर थे, वो सॉरी कलेक्ट्रेट के पीछे जो वेंडर थे, उनको वहाँ से हटाया जा रहा था। कुछ जिनको दुकानें आवंटी थी, उन लोगों ने शायद हाई कोर्ट में मुकदमा लगा दिया था कि रोड अवरुद्ध हो रही है, तो उनको वेंडरों को हटाया जा रहा था। वो वेंडर सारे लोग हमसे 2-3 दिन पहले बताए, हमने कलेक्टर साहब से और SDM और तहसीलदार साहब से बात करके उनको जहाँ पर हमने कहा जो पार्किंग है, वो पार्किंग में उनको स्थान दे दिया जाए और वो पार्किंग में ही उनको व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि उनका परिवार अच्छे से चले। और तहसीलदार को वहाँ मौके पर बुलाकर हमने उनको बोल दिया है, अब वो शायद उसके लिए राजी हो गए हैं कि इनको वहाँ पर स्थान दिया जाएगा। बेचते इनको हटाने का प्रयास किया गया तो क्या? नहीं, आज हटाने का प्रयास नहीं किया गया। एक्चुअल है क्या, एक राजेश शुक्ला हैं, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में एक WP लगाई थी, उसमें 2019 में आदेश हुआ था कि 3 महीने के अंदर इनका अतिक्रमण हटाएं। उस आदेश के परिपालन में 2019 में हम लोगों ने इनका पूरा अतिक्रमण हटा दिया था। इसके बाद भी उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में एक कंटेम्प्ट याचिका दायर की है, उसमें अभी हाईकोर्ट में पेशी थी, तो उसी तारतम्य में हमने इनको फिर से नोटिस दिया है कि भाई आप 4 तारीख तक अपना अतिक्रमण हटा लो, नहीं प्रशासन जो है अपने विधि अनुसार हटाने की कार्रवाई करेगा। उसी सिलसिले में आज इन लोगों से हमने बैठ के और चर्चा की है, और चूंकि ये आज से नहीं 25 साल से अपना यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं और अपना परिवार पालन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है पीड़ा होगी, तो इसी तारतम्य में ये प्रसंग हुआ कि भाई इनको कहीं व्यवस्थित किया जाए और जैसा व्यवस्थित हो जाएंगे तो अब स्वतः हटा लेंगे। तो इन लोगों का भी यही है कि साहब हमें व्यवस्थित कर दिया जाए, हम अपना हटा लेंगे, तो इसके संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय से आदेश निर्देश प्राप्त करेंगे और जैसा भी होगा तो उचित कार्यवाही करेंगे। कितनी दुकानें हैं कुल? 54 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई हम कर रहे हैं, और उसमें ये अर्जी नवीस हैं, कुछ फुटकर व्यवसायी भी हैं, छोटी मोटी दुकान चाय वगैरह की लगभग, यही है।